Good evening, everyone. Hope you are doing well at your places. We will be starting chapter 12 of physics, that is electric city. Okay. Madam has given a brief introduction about the chapter. We will look into the details about how it is. Okay. सबसे पहले electric city के दो branches हैं. एक है static. अच्छा notes का ऐसा है, मेरे पास notes रखे हैं, मैं फोटो खींच के आप लोग को भेज दूंगा. तो नोट्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट मेरे नोट्स थोड़े वास्ट हैं, ज्यादा अच्छे रहेंगे, है ना. तो आज लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी करना तो आप कर सकते हो, दोनों ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है. तो इलेक्ट्रिसिटी हैज टू ब्रांचेस, वन इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड वन इज द करेंट इलेक्ट्रिसिटी. अब पहले अपन स्टैटिक पढ़ते हैं. स्टैटिक से स्टार्ट होता है, फिर करेंट में जाता है. स्टैटिक का मतलब क्या होता है जनरल? स्टैटिक का मतलब होता है टू बी एट रेस्ट. ठीक. अच्छा, अब कौन रेस्ट पे रहता है? रेस्ट पे रहते हैं आपके चार्जेस. चार्जेस के बारे में आई होप सबने सुना होगा, दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. बट हियर वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर चार्जेस. ठीक है. अब देखो, चार्ज आपने हम सबने देखा होगा, जब भी स्वेटर उतारो, है ना, कई बार स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है, वायर्स को आप टच करो तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है. तो वो क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज. ठीक. अब चार्ज है क्या? पहले के लोग क्या समझते थे? चार्ज एक सब्सटेंस है, जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. चार्ज एक सब्सटेंस नहीं है, चार्ज किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है. अब प्रॉपर्टी कैसे हुई भाई? आपने स्केल देखा है, स्केल को रब करो लगातार और फिर उसमें एक पेपर लाओ तो पेपर उसमें स्टिक हो जाता है. तो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड एवरी सब्सटेंस, वो एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो एक डेफिनेशन आपकी आ गई, व्हाट आर चार्जेस. व्हाट आर चार्जेस? दे आर प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस. क्या है? किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी. अच्छा, अब अगर बॉडी चार्ज हो गई तो वो दो चीज करेगी, या एक चीज सिंपल करेगी. वो क्या करेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अप्लाई करेगी. अगर चार्जेस होते हैं, बिजली का तार देखा, लोग पकड़ लेते हैं, या तो पकड़ लेते हैं या फिर छूट जाता है. दो चीजें होती हैं. तो चार्जेस का एक ही फंक्शन है, दे विल अप्लाई फोर्स. कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब फिर से जाना, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं आपके चार्ज. अब देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक सिटी है ये केवल किसके लिए अप्लाई होती है? इंसुलेटर के लिए. और करंट इलेक्ट्रिक सिटी किसके लिए अप्लाई होती है? कंडक्टर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए. जो स्केल वाला एक्सपेरिमेंट, अपन स्केल रब करते हैं, अपन स्केल रब करते हैं, ठीक है, और उसमें पेपर चिपक जाता है. बट इस चीज ध्यान देना, मैं जितना सेक्शन स्केल का रब करूंगा ना, केवल उतने ही सेक्शन में आपका पेपर स्टिक होगा. अगर आप जहां से आपने स्केल को हैंडल किया है, अगर आप उससे पेपर को स्टिक करवाना चाहो तो आपका पेपर स्टिक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि स्केल किसकी बनी है? प्लास्टिक की या वुड की? प्लास्टिक या वुड क्या है? इंसुलेटर है. इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं होते, वो कैसे रहते हैं? रेस्ट में. तो जो स्केल वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया है, सबने किया है, आई थिंक बचपन में, है ना. तो जो स्केल वाला एक्सपेरिमेंट किया है, दैट इज रिलेटेड टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. चार्ज तो हो जाता है बट वो चार्जेस मूव नहीं करते, वो एक जगह एक्यूमुलेट रहते. और अगर तुम वही एक्सपेरिमेंट तुम घर में कर लेना, अगर आपके पास प्लास्टिक का स्केल और आपके पास लोहे वाला स्केल हो, प्लास्टिक के स्केल को रब करना ड्राई हेयर में, पेपर के पास है ना, पेपर चिपक जाएगा. बट लोहे के स्केल में अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा कौन बताएगा? चैट में बताओ, मैसेज करके. अगर मैं लोहे के स्केल से एक्सपेरिमेंट करूंगा, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. इट विल नॉट हैपन, टेल मी इन द चैट मैसेजेस, आई एम रीडिंग इट. क्वेश्चन कौन में आया मेरा? चैट में फोर पीपल आर देयर. क्या बात है, आस्था हैज सेड कंडक्टर है वो. वेरी गुड आस्था, वेरी गुड आंसर. सही बात है भाई, लोहा तो कंडक्टर है ना. तो
तो वो क्या करेगा, वो सारे चार्जेस को यूनिफॉर्मली कंडक्ट कर देगा पूरी स्केल में, और चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे, तो इतना स्ट्रेंथ जनरेट नहीं हो पाएगा कि वो ड्राई पेपर को या पेपर को अपनी तरफ खींच। तो अपन जो स्केल वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं दैट इज एन इंसुलेटर एंड दैट डील्स विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। और चार्ज क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी द पार्टिकल अप्लाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, है ना। सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। दुनिया का नियम ही यही है, ऑपोजिट अट्रैक्ट, है ना। लड़का और लड़की की शादी होती है, लड़के लड़कों की नहीं होती, दैट इज अगेंस्ट द यूनिवर्सल लॉ। तो ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला ये लॉ है, क्लियर है। तो चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच पार्टिकल्स कैन अप्लाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, अभी अपन स्टैटिक ही पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो आ गई चार्जेस, आई थिंक क्लियर है सभी को, क्लियर है तो थम्स अप दे दो चैट में। सिंपल है, चार्जेस की डेफिनेशन आपके सिलेबस में है नहीं, बट मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए क्या होता है। अपन सीधे करंट से चालू कर देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, मतलब बेस अपने को पता नहीं क्या मतलब पता है, है ना। अब फिर चार्जेस को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से, ये इसका डिनोशन होता है। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, जो आपके साइंटिस्ट कूलम, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो मैंने कहा क्यू इज इक्वल टू 5C, मतलब चार्ज कितना है 5 कूलम, क्लियर है। या तो मैं कैपिटल क्यू लिख दू या तो मैं स्मॉल क्यू लिख दू। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा सामने सिंपल कुछ नहीं रहेगा या प्लस रहेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो साइन सामने क्या लग जाएगा माइनस। बट आपके टेंथ के सिलेबस में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब उससे कोई रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन एकदम बेसिक वाला, ठीक है। तो व्हाट इज चार्ज, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय विच अ पार्टिकल कैन एग्जर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, एंड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, इतना क्लियर है। ये लिख लो, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है, डिनोटेड बाय कैपिटल सी, और चार्ज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, ठीक है। दो प्रकार के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्लियर है सबको, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब दूसरा क्वेश्चन आया कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, हाउ आर चार्जेस प्रोड्यूस। तो सिंपल सी बात है, जो स्केल वाला एक्सपेरिमेंट है, व्हेन आई एम रबिंग द स्केल ऑन माय हेड, तो मैं क्या, जब भी दो चीजें रब होती हैं या कोलाइड होती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट, है ना। अब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। अब आपने देखा है लास्ट ईयर वो पढ़ा है ना, आपने ना एटम का स्ट्रक्चर, जैसे मान लो मैंने सोडियम ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस है, पहले में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, मैं 8 लिख दे रहा हूँ सिंपली, पूरे बना नहीं रहा हूं, और लास्ट में कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं रब कर रहा हूँ, जस्ट सपोज ऐसा स्ट्रक्चर है, मैं रब कर रहा हूँ स्केल को लगातार, उसका जस्ट सपोज ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, स्केल आपकी हीट हो गई, हीट सबसे पहले किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था 9 में पढ़ाते हुए शायद, कि अगर आप बैठने जा रहे हो और मैं एक गर्म तवा रख दूं आपके नीचे तो क्या करोगे आप, उचक जाओगे, एक्साइट हो जाओगे, वहां बैठोगे तो है नहीं। तो इस इलेक्ट्रॉन को भी हीट मिल गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब अपन स्केल को रब करते हैं अपने हेड से, अच्छा अब इसमें देखो दो चीजें आती हैं, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट करो चैट में। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो कौन सा चार्ज आएगा इस पर, पॉजिटिव या नेगेटिव। आस्था मंगनानी इज गिविंग ऑल द आंसर्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अनुष्का, सेट पॉजिटिव। चलो ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, वेरी गुड, एक मिनट, तो पॉजिटिव चार्ज विल बी एक्वायर्ड।
अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने स्केल को रख किया अपने बालों पे, तो एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। अब मेरे बालों और स्केल के केस में जो स्केल के एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है न्यूक्लियस के साथ। तो जब मैं स्केल को रब करता हूँ अपने बालों में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज, देखो गर्मी तो जितने मेरे बाल में प्रोड्यूस होगी उतनी स्केल में भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन वो जल्दी छोड़ देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड नहीं होगा। मेरे बालों और स्केल के केस में, स्केल में इलेक्ट्रॉन टाइटली पैक्ड नहीं होते। तो जो प्लास्टिक है या जो ग्लास होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। तो स्केल वाले केस में क्या होगा, स्केल इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वो इलेक्ट्रॉन मेरे बालों में आ गया, अब स्केल पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होता है, फिर मैं उस स्केल को पेपर के पास लाया। अब जैसे मैं पेपर के पास लाता हूँ स्केल को, ये स्केल में खूब सारा चार्ज है, ये आपका पेपर है यहाँ पास में, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने बताया ऑपोजिट अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करता है नेगेटिव चार्ज, और ये पेपर इस स्केल से क्या होता है, चिपक जाता है। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। दो होते हैं, एक होता है कंडक्शन एक होता है इंडक्शन। कंडक्शन बहुत इजी है, मेरे इस फिंगर में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मैंने इसको से टच कर दिया, इस उंगली का चार्ज इस उंगली में चला जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक दोनों के चार्जेस बराबर नहीं हो जाएंगे। मान लो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, अभी एकदम फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मैंने इसको टच किया, तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 चले जाएंगे। एक बार जब 5 चला जाएगा तो जितना चार्ज इसमें है उतना ही चार्ज इसमें हो गया, अब कोई भी फ्लो नहीं होगा। इसी को अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तभी आपका चार्जेस मूव करते हैं और करंट फ्लो करता। क्लियर है, फिर से एक बार सुन लो, चार्जिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय रबिंग। रबिंग से क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। हीट क्या करेगा, द हीट इज एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायरिंग द हीट विल बिकम एक्साइटेड, दे विल लीव द एटम, दे विल लीव द एटम। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अगर इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, और फिर इस प्रकार से चार्जिंग होती है। तो अगर इंसुलेटर है तो वो चार्ज वहीं पे एक्यूमुलेटेड रहेगा, मूव नहीं करेगा, और अगर कंडक्टर है तो फिर वो चार्ज उसमें क्या करेगा, मूव कर जाएगा। तो वो जो चिपकाने वाला आपका एक्सपेरिमेंट है वो प्लास्टिक की स्केल में पॉसिबल है, लोहे की स्केल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोहे की स्केल में चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी कि वो पेपर को अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, क्लियर है इतना, एनी प्रॉब्लम। चैट में आप मैसेज कर सकते हो कि हैव अ प्रॉब्लम, चैट देखो ना, क्लियर है, किसी कोई सवाल है तो बताओ, मैं अनम्यूट कर दूं, 1 मिनट अनम्यूट। किसी कोई प्रॉब्लम, आयुष, अनुष्का, कबिंदु, राशि, रितिका, रित्या, क्लियर है इतना, ऐसे ये बेसिक है, yes, sir. बेसिक है ये, आराम से चिल्लाओ मत, ये बेसिक है, ये इतना सिलेबस नहीं, बट यू शुड नो की कहते हैं। ठीक है, अब जो अपन पढ़ेंगे वो आपका सिलेबस से स्टार्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अभी अपन ने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। दो प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अनलाइक चार्जेस रिपेल। उसके बाद चार्जिंग कैसे होती है, बाय रबिंग। रबिंग से होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से होती है हीट, हीट इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करते हैं, एटम को छोड़ देते हैं, और आपकी बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, अब अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है चार्ज पे, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप मैडम ने बताया था शायद लेक्चर में अपने वीडियो में, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मीनिंग बहुत इजी है, क्वांटाइजेशन मतलब इट इज हैविंग अ फिक्स्ड इंटीग्रल वैल्यू। कहने का मतलब, अगर मेरे पास सपोज इस उंगली में 10 इलेक्ट्रॉन है और मैंने इस उंगली को उससे टच कर दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे है ना,
कितने जाएंगे आपको पता है, 5 ही जाएंगे। कब तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जब तक दोनों जगह क्या हो जाए, बैलेंस क्रिएट ना हो जाए, है ना। जब सपोज इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो देखो, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो जाएगा, या तीन जाएंगे, चार जाएंगे, पांच जाएंगे, कभी भी आधे अधूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, आधे, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आधा टूट जाएगा और फिर चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पॉसिबल नहीं। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी एंटिटी है चार्ज, ऑल्दो उससे भी एक छोटी एंटिटी पाई गई है, अभी साइंटिस्ट ने उसको निकाला है, जिसको अपन बोलते हैं क्वार्क। बट क्वार्क में ये पाया गया, जो इतने में इलेक्ट्रॉन है क्वार्क के बने होते हैं, बट क्वार्क में ये पाया गया कि इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट एंटिटी है चार्ज की, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, या अगर किसी बॉडी पे भी प्रेजेंट, या तो एक होंगे या दो होंगे, हजार, दस हजार, करोड़, दस करोड़, दस करोड़ पॉइंट एक नहीं होगा, समझ गया ना, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल समझते ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, ऐसे वाला, आधे अधूरे या थ्री फोर्थ, वन फोर्थ, हाफ, ऐसे चार्जेस पॉसिबल नहीं है, वो टूट नहीं सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पर उनका पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ठीक है, अब इसके लिए इसको आपको एक वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जो सबसे छोटा चार्ज दुनिया में पाया जाता है वो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन में, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये वैल्यू आप लिख लो और इसको आप याद कर लेना, जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो ये वैल्यू दी ही रहती है। लिख लो ये वैल्यू, दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट यू कैन ऑब्टेन ऑन अ पार्टिकल, और वो किसके पास होती है, इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ये सबसे छोटा चार्ज है दुनिया में, इससे छोटा चार्ज आपको नहीं मिलेगा, इंडिपेंडेंटली नहीं मिलेगा आपको। ये वैल्यू आप रख लेना, दिस इज व्हाट, ये लिख लो ब्रैकेट में, दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, लिख लो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने बोला कि जो चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण, तो वो चार्ज किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इंटीग्रल मल्टीपल। तो अगर किसी बॉडी पर टोटल चार्ज क्यू है, तो टोटल चार्ज अपन कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए, अगर किसी बॉडी पर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज, और ये जो एन है, एन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, इंटीजर, एन इज ऑलवेज एन इंटीजर, एक, दो, हजार, दस हजार, करोड़, दस करोड़, 1.2, 1.5, ऐसा वैल्यू पॉसिबल, क्लियर है। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं दे आर इंटीग्रल मल्टीपल, कंप्लीट प्रेजेंट है, आधे अधूरे प्रेजेंट नहीं, क्लियर है इतना, है ना, सिंपल है। अब मैंने कहा कि अगर एक बॉडी में 100 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा, यहाँ पे 100 पुट कर दो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है, इज इट, है ना। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी ने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आता है, और उसको आपको सॉल्व तो करना ही है, उसकी आपको वैल्यू याद कर लेनी, वो बहुत आगे काम आता है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन, अगर बुक है तो देख लो, फर्स्ट पेज में होगा, नहीं तो क्वेश्चन लिख लो, देख लो क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कूलम ऑफ चार्ज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम ऑफ चार्ज। अब सवाल ये कह रहा है, सिंपल सी बात है, कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने नाइन्थ में ही बताया था, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कैसे करना है, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो, क्या बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
मतलब एन की वैल्यू क्या करनी है, मुझे निकालनी है कितना चार्ज दिया है इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब मैं कौन सा फॉर्मूला पुट करूंगा, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, क्यू का वैल्यू क्या है 1, एन मुझे नहीं पता, ई का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹। इस पूरी चीज को अपन कहाँ भेज देंगे, नीचे। जिसको सॉल्व करते बन रहे हो सॉल्व करो, कर रहा है कोई, जो सबसे पहले करेगा उसको तो टॉफी खिलाऊंगा मैं। चलो मेलोडी आंसर भेजिए चैट में जो सॉल्व कर ले, आपको एन की वैल्यू निकालनी। ना गलत आयु, अनुष्का गलत, हाँ कृतिका ने सही आंसर निकाला है। कृतिका को मेलोडी खिलानी पड़ेगी भाई, ठीक है तो मैं खिला देना, ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है, तो यू कैन फीड इट। देखो यहाँ पे ये पूरा नीचे ट्रांसफर कर दो, 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁸ इज इक्वल टू, ठीक है उसके नीचे दिख रहा है, देखेगा। अरे हाँ सॉरी -19, सॉरी सॉरी सॉरी, यू नीड एन सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी, ये -19 है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको भेज दो ऊपर, ये एन हो गया 10⁻¹⁹ अपॉन 1.6, 1.6 का डेसिमल हटा दो अपॉन 10 हो गया, ठीक है ये 10 जाके ऊपर मल्टीप्लाई, ध्यान देना मैं यहाँ पे, ये ऐसा था ये मैंने, अरे यार ऊपर भेजा तो प्लस क्या कर दिया मैंने, हाँ ऊपर जाएगा तो पावर प्लस जाएगी सर, ठीक है ऊपर गया ये देख लो फिर से, ये पावर -19 है, ऊपर गया तो पावर पॉजिटिव हो गई, 1.6 का मैंने डेसिमल हटा दिया तो ये अपॉन 10 हो गया। अब ये 10 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, एन कितना हो गया 10⁻¹⁹ कितना हो जाएगा 10⁻²⁶। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, 16 टू डिजिट नंबर है, अगर सिंगल डिजिट होता है तो मैं 10 करता ऊपर, लेकिन अभी टू डिजिट नंबर है तो मुझे कितना ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा 100। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो 10⁻²० को मैं लिख सकता हूँ 100 × 10⁻¹⁸ डिवाइडेड बाय 16, बात वही है ना, ये 10⁻² है, 10⁻² × 10⁻¹⁸ कितना हो गया 10⁻²० अब कैंसिल करो, 16 1 16 6 96 बचा 4, डेसिमल से 0 40, 16 2 32, 40 − 32 बचा 8, डेसिमल से 0 80, 16 5 80 आ गया आंसर 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। लिख लिया समी ने, इफ यू हैव रिटन गिव अ थम्स अप, क्लियर है। अच्छा अब मान लो सॉल्व करने में दिक्कत जा रही हो, कोई बात नहीं घर में आराम से बाद में कर लेना, लेकिन इस वैल्यू को मेमोराइज कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। कर लिया अनुष्का, आयुष, उदित नहीं आया, आस्था, बिंदु, आम्या, शिवानी, उदित आ गया ना, चलो ठीक है क्लियर है। ये इसका मतलब 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है 6.25 × 10⁻¹⁸, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, मल्टीप्लाई करोगे तो पता नहीं कितने जीरो लग जाएंगे यार, क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसमें, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, नो डाउट, आई होप देयर इज नो डाउट, सिंपल एक आपका एक न्यूमेरिकल सभी ने कर लिया। 10⁻¹⁸ कैसे हुआ, देखो 10⁻²० है, यहाँ देखो ये 10⁻²० था, इसको मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूँ 10⁻²× 10⁻¹⁸, जब बेस सेम होती तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, मैंने इसको इसलिए अलग कर लिया क्योंकि मुझे 16 से डिवाइड करना था 100, तो इससे मैंने इसको अलग कर लिया, पूरा तो मैं इतना करूंगा नहीं डिवाइड 16, ऐसे करते करते तो पूरी
मतलब 3-4 कुछ तो निकल जाएंगे है ना, इतना बड़ा अगर मैं डिवाइड करना 15 को, तो मुझे केवल 100 को डिवाइड करना है, तो मैंने 100 को अलग कर दिया, 10 to the power 18 हो गया। अगर तुम वापस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही होगा ना, 10 to the power 2 plus 18, तो वही चीज आ गई ना 10 to the power 20। ये मैंने इसलिए ब्रेक किया है ताकि मेरा डिविजन इजी हो जाए, ठीक है। मेरे कमिंदू, वाओ मैथ भी नहीं पढ़ा दूंगा लग रहा है तुम, टू टीचर्स यू मैथ। चलो ठीक है, तो अब ये आपको याद हो गया। अब एक क्वेश्चन लिख लो सिंपल सा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इन कुछ भी ले लो 20 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 20 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 20 कूलम ऑफ चार्ज। अब सुन लो, वो लंबा प्रोसेस नहीं करना, देख लो यहाँ पे लंबा प्रोसेस नहीं करना। आपको क्या पता है 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10⁻¹⁸। जिसका आंसर आ गया वो बताओ चैट में, किसका आंसर आ गया, कौन है जिसने आंसर दे दिया। सबिंदु हैज ओनली रिटन थैंक्स सर, किसी का आंसर नहीं आया। सिंपल तरीके से करना है इसको, सिंपल मैथ की तरह, कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 20 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वेरी गुड अनुष्का सिंह परिहार, वेरी नाइस अनुष्का हैज गिवन द आंसर। फिर से एक बार देख लो, बहुत इजी हो गया। आप ये वैल्यू याद कर लो, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸। अब मैंने क्वेश्चन दिया 20 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक टॉफी इतने रुपए की, तो 20 टॉफी कितने रुपए की, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 20 × 6.25 × 10⁻¹⁸। अब मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सभी लोग चैट में आंसर लिखें, है ना, कुछ आप भी मेहनत करें तब तो कुछ होगा। और किसने आंसर दिया है, आस्था मंगनानी हैज गिवन द आंसर, वेरी गुड आस्था। आस्था तुम गोवा और बॉम्बे से लौटी हो, दूर रहना सबसे, है ना। तो क्लियर है, देखो अब मान लो अगर तुमको ये वैल्यू याद नहीं होती तो फिर तुम्हें उतना लंबा डिवाइड करना पड़ता, बहुत दिक्कत जाती है फिर। तो अपन क्या चाहते हैं, जो करे अपन जल्दी करें, तो तुरंत अपना आंसर आ गया, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन है तो 20 कूलम में कितना में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर रखा रखा है। 100 दूंगा तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 दिए तो 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम्स वेरी इजी। तो इसको रट लो, 1 कूलम हैज गॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10⁻¹⁸। रित्या सॉल्व किया तुमने, रित्या रेस्पॉन्ड नहीं करिए। साबिंदु का भी आंसर आ गया, वेरी गुड अनुष्का, आस्था, रिजू हैज ऑल्सो डन, वेरी गुड रिजू। चलो तो इतना क्लियर है ना, तो दिस मेमोराइज दिस वैल्यू, ये बन जाएगा आप करते। अब तो आपको कोई भी वैल्यू दे दें कि भाई कितने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप इजीली निकाल सकते हो, है ना, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे अपना चार्जेस वाला पार्ट खत्म हो गया, अब अपन जाएंगे, अभी अपन पढ़ रहे थे स्टैटिक, अब अपन जाएंगे करंट इलेक्ट्रिक सिटी, है ना। अब सिंपल सबको पता है व्हाट इज करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब देखो करंट के बारे में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब वही देखो, मैं एक चीज आपसे पूछूंगा और मैं जिसको अनम्यूट करूंगा वो आंसर देगा। मैंने सारी चीज पहले ही बताई आप लोग को 9th में, आई होप यू रिमेम्बर, बट मुझे याद है मैंने बताया। जैसे ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, दिख रहा है सबको ब्लैक बोर्ड, ये जो इसका टॉप है ये स्टील या आयरन जिसका भी है, बट ये मेटल है। अब अ मेटल हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक मेटल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
एक मेटल में होते हैं 10^29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं आपको नंबर गिनने को बोल दूं तो आपको 10 से 12 जन्म लेने पड़ेंगे गिनने के लिए, 1, 2, 3, 4 करते करते। तो ऑलरेडी जब तक आप सेल या बैटरी नहीं लगा उसके बिना एक मेटल में ऑलरेडी इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अभी मैं इस मेटल को टच कर रहा हूं, मुझे कोई भी करंट नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें सेल या बैटरी लगा दूंगा और फिर उसको टच करूंगा तो मुझे करंट लगेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि सेल या बैटरी ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देंगे, देता है कुछ ना कुछ सेल बैटरी देता है, बट बहुत मिनिमम देता है, ऑलरेडी इसमें बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब इसमें ऑलरेडी इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको टच कर रहा हूँ, मुझे करंट नहीं लग रहा, और जैसे मैं सेल या बैटरी लगाऊंगा मैं टच करूंगा तो मुझे करंट लगेगा, किसको आंसर पता है चैट में यस बोलो, नाइल अनम्यूट यू। क्वेश्चन फिर से सुन लो, आयरन है या कोई भी मेटल है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बट मैं उनको टच करने पर मुझे कोई करंट नहीं लग रहा, बट जैसे मैं सेल या बैटरी लगा दूंगा मुझे करंट लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अभी इसमें रूम टेम्परेचर पे बिना सेल या बैटरी लगाए, ये ऑलरेडी मूव करते रहते हैं, हमेशा मूव करते हैं, दे आर ऑलरेडी मूविंग। तो करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है ना। तो मैं कह रहा हूं कि बिना सेल और बैटरी लगाए ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, फिर भी मुझे करंट नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा? Anybody who can answer? Give a thumbs up in the chat. Udit Mishra, sir, because current always needs earth. ऐसा कुछ नहीं यार, सुनो, अर्थिंग करते हैं, अर्थिंग इज अ सेफ्टी डिवाइस, अर्थिंग वहां पे लगाते हैं। नहीं शगुन, एनर्जी मैं कह रहा हूँ, सुन लो, इलेक्ट्रॉन्स में ऑलरेडी थर्मल एनर्जी है ड्यू टू द रूम टेम्परेचर। ये जो रूम टेम्परेचर है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम मैंने बताया था पहले एक बार, ये जो रूम टेम्परेचर है 25 है जो भी डिग्री सेल्सियस होता है, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अपने को फील क्यों नहीं होता, क्योंकि अपनी बॉडी बहुत ज्यादा सेलो टिश्यू की बनी है। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एकदम सिंगल एंटिटी है ना बेचारा, उसके आसपास कोई नहीं है, है ना। एक मिनट सॉरी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अपने को फील इसलिए नहीं होता क्योंकि अपनी बॉडी में बहुत सारा सेल और बहुत सारा पानी है, पानी हीट का बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है बेचारा उसके पास कोई नहीं है, तो उसके लिए जो 25 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है ना, यही बहुत ज्यादा होता है। तो उसके पास बहुत ज्यादा थर्मल वेलोसिटी एनर्जी होती है, घूमता रहता है यहाँ। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मैं इसको टच कर रहा हूँ फिर भी मुझे करंट नहीं लग रहा, क्यों? रूम टेम्परेचर पे भी शगुन इसके पास बहुत सारी एनर्जी, वो मूव कर रहा है लगातार। अनुष्का बोलना चाहती है, एक मिनट अनुष्का, आई एम अनम्यूटिंग अनुष्का। हाँ अनुष्का, 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 हाँ अनुष्का बताओ, यू कैन स्पीक। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो no sir, actually I thought of something wrong and now I'm realizing that it was wrong. हाँ नहीं, वो गुड कंडक्टर तो है ही। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है सुन रहे आते हैं। और कोई जो आंसर देना चाहता है? मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, मेटल अ गुड कंडक्टर एंड दे प्रोवाइड, नहीं नहीं बेटा ये नहीं है, ठीक है चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो क्या होता है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, देखो तो मैं म्यूट कर दूँ आप लोग को, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे आप लोग क्लास में रहते हो, जैसे क्लास में आप लोग आए हो स्कूल से, घर से आते हो, खाना वाना खा के आते हो, बढ़िया एनर्जेटिक रहते हो, है ना। जब तक टीचर क्लास में नहीं है, है ना, तो आस्था इसकी सीट में दौड़ रही है, पूरे क्लास में दौड़ रही है, यहाँ दौड़ रही है, वहां दौड़ रही है, सबके पास एनर्जी है ना, बट यू आर नेवर यूजिंग इट इन अ कंस्ट्रक्टिव, सब कुछ रैंडम होता है क्लास में, है ना। शगुन के साथ शिवानी बैठ गई, शिवानी के साथ मान लो कोई और बैठ गया, उसके साथ कोई और बैठ गया, तो यही चीज इलेक्ट्रॉन के साथ है। अगर एक मेटल है कंडक्टर, मैं कह रहा हूँ इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन और वो लगातार मूव भी कर रहे हैं, बट जब तक मैं सेल या बैटरी नहीं लगाता हूँ तो जो भी सराउंडिंग का वो टेम्परेचर लेते हैं और इसको मूव करते हैं, तो उनका मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है, कंस्ट्रक्टिव मोशन नहीं है बिल्कुल, इसे कोई डायरेक्शनल मोशन नहीं है, ये रैंडम मोशन है। तो रैंडम मोशन ऐसा होता है कि सब आपस में टकराते रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, और कोलाइड करने के बाद उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है
वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब भाई आप लोग कहते हैं कि सर आज मेरे को, हम लोग को खुद से पढ़ ले लीजिए, टेस्ट है हमारा छोड़ दीजिए, उसमें क्या पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते, बैठ के बतियाते रहते हो। वही चीज यहाँ भी हो रही है, जब तक मैंने सेल या बैटरी नहीं लगाया है, इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे हैं बट मोशन कैसा है, इट इज कम्प्लीटली रैंडम, कम्प्लीटली रैंडम है, कम्प्लीटली रैंडम मतलब ये कहीं भी मूव कर रहे हैं। तो आपस में लोग कोलाइड करते हैं और कोलिजन करने के बाद वो जो जहां होता है वो वापस वहीं पे आ जाता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं किया मतलब वो स्टैटिक हो गया, तो करंट तो आपका फ्लो हुआ ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहे हैं लेकिन करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज द मोशन इज रैंडम, इट इज नॉट डायरेक्शनल। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग अगेन विद ईच अदर एंड देयर नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज पार्टिकल का, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने लगा दिया यहां पे सेल और बैटरी, है ना, मैंने लगा दिया एक सेल, लगा दिया एक सेल लगा दिया मैंने, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। सेल क्या प्रोवाइड करता है, ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा इतना डीप में जाने से पहले मैं एक चीज बता दूं, करंट का अपन डायरेक्शन क्या लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये क्या हुआ, जब करंट की खोज की बहुत, जिसने भी की शायद फ्रैंकलिन ने जिसने की थी, उस समय सबको ये लगता था कि दुनिया में केवल पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं। बाद में लेकिन ये पाया गया कि भैया पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज मूव ही नहीं करता। क्यों मूव नहीं करता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम मास नंबर कितना होता है, 24, एटॉमिक नंबर 12, वैलेंसी कितनी होती है मैग्नीशियम की, प्लस 2, मतलब एक मैग्नीशियम का एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। मैग्नीशियम का मास नंबर है 24, है ना। अब आपने पढ़ा है एटॉमिक मास यूनिट, खैर छोड़ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 ग्राम, इतनी वैल्यू होती है। तो अगर मैग्नीशियम का मास आपको ग्राम में निकालना है, ये इसका मास नंबर है, अगर आपको मैग्नीशियम का मास ग्राम में निकालना है तो आपको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैग्नीशियम के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, वो बन गया मैग्नीशियम का कैट आयन, इसका मास इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अभी बताओ किसका मास कम है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है और इस मैग्नीशियम के कैट आयन का मास ज्यादा है और उसका साइज भी तो बड़ा है। तो जैसे साइज और मास बड़ा होता है, चार्ज पार्टिकल की मोबिलिटी कम हो जाती है, एक वर्ड अपन यूज करते हैं मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब मूव करना। तो जो मैग्नीशियम का एटम है ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, लेकिन उसके बाद भी इसमें 2 ऑर्बिट है, एक न्यूक्लियस, इसका साइज बड़ा है और उसकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, ये मूव नहीं कर पाता, बहुत बड़ा है, इसका मास ज्यादा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम है, ग्राम में और कितना आ जाएगा, बहुत ही ज्यादा कम है, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इजी होती है। सिंपल सा आदमी भाई, जैसे मैं अगर बहुत पतला दुबला होता तो मैं आराम से दौड़ लेता, मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ, मुझे दौड़ने में क्या होगी, दिक्कत होगी, है ना, जो पतला दुबला है वो आराम से दौड़ सकता है। तो बाद में ये पाया गया कि देखो पहले क्या कह दिया कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है, और पहले ये माना गया कि पॉजिटिव चार्ज होता है जो मूव करता है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि भैया पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता। क्यों मूव नहीं करता, क्योंकि उसका साइज और मास ज्यादा है, उसकी मोबिलिटी मिनिमम है, केवल क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का मास। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जो पहले का करंट का डायरेक्शन था ये पॉजिटिव से नेगेटिव, इसको अपन बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब होता है बस मान लिया गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं, ये जो चला आ रहा है उसी उसी कन्वेंशन को अपन चलाते हैं, है ना, तो ये कन्वेंशनल करंट है। बट एक्चुअल में सर्किट के अंदर
क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और कहां से मूव करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन फिर हुआ क्या, ये वाली जो थ्योरी थी करंट कहां से मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस पे इतनी रिसर्च हो गई थी कि अब इसको चेंज करना सही नहीं माना, यानी कि सर बहुत चेंजेस करने पड़ते, पूरी फिजिक्स ही पलट जाती। तो साइंटिस्ट ने बोला भैया मेरे ऐसा है कि हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम यही मानेंगे कि करंट कहां से मूव करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव टू नेगेटिव कुछ मूव नहीं करता, मूव कहां से करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, और केवल क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करता। तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। तो सुन लो यहां पे, जो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट का डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल है और आपको एग्जाम में वही बना के आना है, ठीक। और जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये देख लो यहाँ पे, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज कन्वेंशनल करंट, नेगेटिव टू पॉजिटिव इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव में कुछ फ्लो नहीं करता, फ्लो क्या करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव में, और उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन ये इसकी खोज बाद में हुई, इसकी खोज पहले हुई थी, तो इस थ्योरी को उन्होंने चेंज नहीं। तो अगर एग्जाम में कभी आता है सर्किट डायग्राम बनाने को और करंट का डायरेक्शन दिखाने को, तो आपको हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही बनाना है, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव मत बनाना, उसमें आपको जीरो मिल जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ मूव नहीं करता, मूव कहाँ करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। और क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव मेटल का आयन है, कैट आयन, चाहे वो आयरन का हो चाहे मैग्नीशियम का हो, वो मूव नहीं करते। क्यों मूव नहीं करते, क्योंकि उनका मास और साइज ज्यादा है, उनकी मोबिलिटी क्या है, कम है, वो मूव नहीं कर पाते। तो मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, तो द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज कन्वेंशनल करंट, एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक। बन जाएगा ये साइन कन्वेंशन, ये मेरा थम्स अप, अगर बन जाएगा तो क्लियर है तो किसी को कोई डाउट बताओ, आई एम ऑन द चैट, तीन लोग ने मैसेज किया है, ऋतिका हंस रही है, भाई हंसना नहीं है, पूछ रहा हूँ बन जाएगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इस बात पे रित, अच्छा हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आस्था को बन जाएगा, ठीक है समझ गए। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कुछ फ्लो नहीं होता, जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट डायरेक्शन आपको हमेशा कहां से लेना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही कन्वेंशन माना गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आज करंट अपन पढ़ लेते हैं 6 बजे तक, है ना, फिर कल पढ़ते हैं, अगर आपको पढ़ना तो आप बता दीजिए, मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, है ना, पढ़ाना मेरा धर्म है, आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभाते हैं, देखो आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया करंट, करंट का अपन किससे नोट करते हैं, कैपिटल आई और स्मॉल आई से। क्या डेफिनेशन है, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। तो चार्ज को अपन डिनोट करते हैं क्यू से, क्यू बाई टी, ये आपका करंट का फॉर्मूला आ गया, क्यू या तो कैपिटल क्यू या तो स्मॉल क्यू, बात एक ही है, या कैपिटल आई या स्मॉल आई, बात एक ही है। ये हो गया करंट का फॉर्मूला, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, टाइम की यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट की सब खोज की। अब करंट भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। मैंने कहा डिफाइन वन एम्पियर, अभी वन वाला केस आ गया, इसी वन की डेफिनेशन मैडम देती है एग्जाम में पक्का, हर बार एक क्वेश्चन आता है वन का, बहुत इजी है। व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन टाइम 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन टाइम 1 सेकेंड, देन करंट थ्रू द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। क्लियर है सभी को, ओके वेरी गुड। अच्छा अब एक
मैं सवाल पूछता हूँ फिर से आपसे, सुनो, जब इलेक्ट्रॉन, एक मिनट ये लिख लिया सबने, लिख लो ये एक फॉर्मूला लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, ऐसा यूनिट इज एम्पियर। अगर वन एम्पियर डिफाइन करना है कैसे करोगे, व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन टाइम वन सेकेंड करेंट इज सेट टू बी वन एम्पियर। किसी को कोई डाउट अभी इसमें, तो बेसिक चीजें, डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े, गिव अ थम्स अप। ओके चलो ठीक है। अब देखो, अभी अपन ने क्या देखा कि जब सर्किट में करंट फ्लो होता है तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होते, केवल क्या फ्लो होते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब एक और बड़ा अच्छा सवाल है, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ भले वो सिलेबस में आए ना आए, बट इसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं और यही सब चीजें आगे पूछी जाती हैं आपकी जिंदगी में, जहां भी आप जाओगे कंपनी में, अगर आप साइंस लेते हो तो, कॉमर्स का मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मैंने सेल या बैटरी लगा दिया, तार कह रहा हूँ, ये मान लो सर्किट है, सर्किट में पढ़ा दूंगा एक लाइन की डेफिनेशन में, आप कंसेप्ट देखते, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मैंने एक सेल लगा दिया, अब क्या हुआ करंट आपका फ्लो करने लगा। अब मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 10^-5 मीटर पर सेकेंड। जो आपके घर में करंट बह रहा है तारों में, उसमें इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कितनी है, 10^-5 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर तुम मिलीमीटर में कन्वर्ट करो, करो कन्वर्ट मिलीमीटर में, एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000, तो कितना हुआ 10^-2 मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एक मिलीमीटर भी नहीं चलता, समझ गए मेरी बात, ये वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की किसी वायर में। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ये वैल्यू याद करना है कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, बस ये ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती किसी भी तार में बहुत कम होती, बहुत स्लो होता है। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे कोई ऐसे ट्यूबलाइट है मेरे घर में, मैंने यहाँ से स्विच दबाया, जैसे मैं स्विच दबाता हूँ बल्ब ले लो, ट्यूबलाइट थोड़ा टाइम लगता है चौक में है ना, करंट वो कैरी होता है, बल्ब है मैंने स्विच दबाया तुरंत बल्ब जल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की रफ्तार कितनी है 10^-2 मिलीमीटर पर सेकेंड। मतलब वो एक सेकेंड में एक मिलीमीटर भी नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ वैसे ही लाइट जल जाती है, क्यों, कौन आंसर देगा सवाल, को समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बहुत कम है लेकिन जैसे ही मैं बटन दबाता हूँ वैसे ही लाइट जल जाती है, क्यों, जो आंसर देगा बताओ चैट में, गूगल के आंसर मैं उसको अनम्यूट करता हूँ, और नहीं पता तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्लियर है सबको, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बहुत स्लो है, मतलब एक मिलीमीटर भी ट्रेवल नहीं कर रहा एक सेकेंड में, लेकिन मैं जैसे ही स्विच दबाता हूँ ये जो लाइट है मेरे से पता नहीं कितने मीटर दूर होगी, तुरंत लाइट जल जाती है, क्यों, किसी को आंसर नहीं पता, नोबडी। अच्छा चलो, इसका मेन कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे ही मैंने सर्किट को ऑन किया, स्विच मैंने ऑन किया है, यहाँ स्विच ओपन है, सही है, स्विच मैंने ऑन किया, सबसे पहला काम जो सर्किट में होता है वो होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। अब देखो नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब क्या होता है, एरिया, और इलेक्ट्रिक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो एरिया जहां तक किसी भी चार्ज पार्टिकल का अपन फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सबका एक लिमिटेड एरिया होता है ना, तो मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज, तब ये ऐसा तो है ना कि पूरी दुनिया में फोर्स लगाएगा, एक सर्टन एरिया तक फोर्स लगाएगा और वो एरिया कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाइट कौन सी वेव है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, लाइट की रफ्तार कितनी होती है,
लाइट की रफ्तार होती है 3×10⁻¹ms। इतनी होती है। तो ध्यान रखना एक चीज, जैसे ही बैटरी को मैं सर्किट में लाता हूँ, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, बैटरी में दो चीजें, ये बड़ा टर्मिनल, ये छोटा, एक है कैथोड और एक है एनोड, ठीक है। यहां पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन बैटरी आपका रिलीज करता है, नेगेटिव चार्ज रिलीज करता है, यहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ गई तो अपने आप यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं। अब जैसे चार्जेस आते हैं वैसे आपकी क्या सेटअप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की रफ्तार कितनी होती है, 3×10⁸ms। फिर से सुन लो, समझा देता हूँ, मुश्किल है। मेरा सवाल क्या था, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बहुत स्लो है, लेकिन जैसे मैं बटन चालू करता हूँ तुरंत बिजली या लाइट आपकी जल जाती है। क्यों जलती है, फिर से देख लो, मैंने ऑन किया, मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा, सेल लगा, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल पर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, पॉजिटिव में कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो अपने आप उसके कंपेरिजन में यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। अब चार्जेस क्या अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, एरिया अप टू विच अ चार्ज पार्टिकल कैन एक्सर्ट इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की रफ्तार कितनी है, 3×10⁸ms। मतलब जैसे मैंने बटन ऑन किया, 3 इस रफ्तार से एक पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फंक्शन क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। अब एक चीज और ध्यान रखनी, अभी मैंने क्या बताया कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁹ms³। मतलब इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, देखो यहाँ ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा, इस पर फोर्स लगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के साथ कई सारे मेटल के आयन भी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, ये खूब सारे इलेक्ट्रॉन है छोटे छोटे, और यहाँ पे मेटल के आयन है, मान लो आयरन, आयरन का अपन है ना, आयरन का ही आयन है, मेटल है। अब जैसे ही इस पे फोर्स लगा, फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। जैसे ये बढ़ना चाहेगा, ये क्या होगा, या तो किसी मेटल आयन से टकरा जाएगा या तो किसी इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाएगा। अब जैसे ही आगे बढ़ेगा, इससे मान लो ये टकराया तो क्या हुआ, ये अपना सारा एनर्जी और मोमेंटम खो देगा, और ये अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर देगा, अगले इलेक्ट्रॉन को, फिर ये मूव करेगा, फिर ये। तो एक बात ध्यान रखना, हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है। मान लो यहाँ पे एक बल्ब लगा है, ठीक है, ये एक बल्ब लगा, अब ये बल्ब कब जलेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर करेगा। अब मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन हर जगह भरे पड़े हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे सर्किट में है, और ये हर एक चार्ज पे फोर्स लगा रही है, तो बल्ब जल्दी क्यों जलता है, ध्यान रखना। कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ पहुंच जाएगा तब करंट आएगा, ऐसा करने में भैया इसको कम से कम 1-2 मिनट लग जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता, हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, और जो इलेक्ट्रॉन बल्ब के फिलामेंट के सबसे करीब होगा वो उचक के बल्ब के फिलामेंट में चला जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका बल्ब जल जाएगा। तो ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन मूव करके पूरा यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा तब बल्ब जलता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन है स्टार में, बैटरी इलेक्ट्रॉन देती है बस, लेकिन उतने ही इलेक्ट्रॉन देती है ताकि क्या हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, चार्जेस के बीच अंतर, कहीं पे नेगेटिव ज्यादा है और कहीं पे नेगेटिव कम, जहां पे नेगेटिव कम है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और चार्जेस तभी मूव करेंगे जब इन दोनों के बीच क्या होगा, डिफरेंस। अगर यहाँ जितना नेगेटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ हो जाएगा, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और आपका सेल काम करना बंद कर देगा। यही होता है आपके ड्राई सेल में, आपका सेल कुछ समय बाद काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये जो पेस्ट होता है उसके अंदर अमलगम वाला, वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। तो फिर हर जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यूनिफॉर्म हो जाती है, और थ्रू आउट पोटेंशियल क्या होता है, कॉन्स्टेंट, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, जीरो। तो डिफरेंस होना जरूरी है। फिर से एक बार देख लो मेरा सवाल, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ट्रिकी है ना, कल से अपन इजी पढ़ेंगे, लेकिन आज इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बहुत स्लो है,
बट उसके बाद भी अपन जैसे बल्ब ऑन करते हैं तुरंत करंट जाता है, बल्ब ऑन रहता है। क्यों होता है, क्या होता है, देखो भैया जैसे आपने स्विच ऑन किया, ये जो सेल है इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ खूब सारे इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। अब जैसे ही चार्जेस आते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एरिया और रीजन अप टू विच अ चार्ज पार्टिकल कैन अप्लाई इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड किस रफ्तार से सेटअप होती है, 3 × 10⁻⁸ सेकेंड, जो कि बहुत तेज रफ्तार है। मतलब सिंगरौली में अपनी ट्रांसमिशन लाइन है, वहां कोई बंदा अगर बटन ऑन करेगा ना तो सपना आने तक कितना लगेगा, 0.1 सेकेंड समथिंग, उससे भी कम लगेगा शायद। ये बहुत बहुत तेज रफ्तार है भाई, मतलब उसने सिंगरौली में बटन ऑन किया और यहाँ लाइट जल जाएगी, इतनी तेज रफ्तार है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन कभी पूरा रास्ता ट्रैवल नहीं करता। अब इतने सारे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10⁻²⁹ के, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, और जो इलेक्ट्रॉन सबसे करीब होगा बल्ब के वो बल्ब में जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी और आपका बल्ब जल जाएगा। तो सब कुछ किसका गेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो बहुत कम है, अगर इसकी वेलोसिटी से जाते तो बेचारे कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, जल्दी नष्ट हो जाता वहां तक जाते जाते। तो सब कुछ किसका गेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये किस रफ्तार से सेटअप होती है, 3 × 10⁸ पर। तो नेक्स्ट टाइम जब आप घर में लाइट जलाना तो ध्यान रखना क्यों लाइट जल्दी जल रही है, ड्यू टू द सेटिंग अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब सेटअप होगी, जब चार्जेस में डिफरेंस होगा या जब पोटेंशियल क्रिएट होगा। पोटेंशियल अपन कल पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इजी रहेगा। अच्छा अभी बताओ क्लियर है सबको, किसी कोई डाउट पूछ लो चैट में, और क्लियर ना हो तो कोई बात नहीं, ये सिलेबस में नहीं है बट सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए आपको आना चाहिए। क्लियर है बेटा सभी को, आयुष, शिवानी, उदित, शगुन, सान्या, किसी आज तक आज तक आया वो ही ऋतिका को दिक्कत है, शिवानी को क्लियर है, नो सर कोई डाउट नहीं है, ऑल क्लियर अनुष्का है ना, चलो वेरी गुड। तो वैसे को वैसे तो मेरा पेड अकाउंट है, मैं 2-3 घंटे पढ़ा सकता हूँ मैं भी चाहूँ, बट आई थिंक आज के लिए इतना काफी, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो एटलीस्ट जो भी मैंने पढ़ाया है आज उसको रिवाइज करना, ठीक है, ये सॉल्व में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, सिलेबस में ये सब क्लास 12th में, पर जो बेसिक चीजें हमें को पता होनी चाहिए कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आज देखो आप एक बार पढ़ देख लो, अपन ने क्या क्या पढ़ा, चार्ज पढ़ लिया, चार्ज के टाइप है पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज की डेफिनेशन पढ़ ली, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, स्केलर क्वांटिटी है, फिर अपन ने करेंट पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक करेंट और कन्वेंशनल करेंट, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो आपका कन्वेंशनल करंट है वहां पर कुछ भी मूव नहीं होता, मूव क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, कहाँ से मूव होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव चार्ज या जो मेटल के आयन है जैसे मैंने कहा था मैग्नीशियम, ये मूव क्यों नहीं करता, क्योंकि तो इसका साइज और मास बड़ा है, इसकी मोबिलिटी कम है, इसलिए कभी मूव नहीं करता। मूव क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं क्योंकि उनका साइज और मास छोटा है, ठीक। फिर अपन ने पढ़ा कि ये आपका जैसे अपन बटन चालू करते हैं तो, अच्छा एक चीज ये भी पढ़ी कि रॉड में आपका करंट अभी मुझे क्यों नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे हैं बट मोशन कैसा है, रैंडम है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा। जैसे मैं सेल या बैटरी लगा दूंगा तो सेल या सेल क्या करेगा, इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर आपकी एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, कमल सर ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा लिया अभी केमिस्ट्री में, आया ना बताओ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाया सर ने अभी, अच्छा कोई नहीं बता रहा, नो सर नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है जब भी बात आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता। मतलब ऑक्सीडेशन का सिंपल मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सेल देखा है ना, ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होता है और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव होता है, यहाँ पर जिंक होता है तो जिंक ऑक्सीडाइज होता है, मतलब जिंक अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर क्या सेटअप होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक शील्ड इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है एक डेफिनेट डायरेक्शन। अब फिर वही चीज, एक इलेक्ट्रॉन पूरा घूमेगा तब करंट फ्लो नहीं होगा, क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10^29, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है और जो इलेक्ट्रॉन सबसे करीब आपके बल्ब है, जो भी आपका डिवाइस है, फैन है, बल्ब है, हीटर है, गीजर है, जो इलेक्ट्रॉन सबसे करीब है डिवाइस के वो वहां चला जाएगा और आपका करंट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सेल या बैटरी का मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब होता है, जैसे सिंपल सी चीज, जैसे मैं एक इंसान हूं, जैसे अक्षय कुमार का एग्जांपल ले लो, अभी उसने डोनेट किया ना 25 करोड़ रुपए उसने कोरोना वायरस रिलीफ फंड में, तो भाई जिसके पास ज्यादा होगा वही तो देगा ना। तो एक वाटर का एग्जांपल है, पानी का फ्लो होता है, पानी भी कहां से फ्लो होता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो जिसके पास ज्यादा होगा वही देगा, जैसे मेरे पास अभी नॉलेज है इस चैप्टर का तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ ना, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होता तो मैं कहाँ से पढ़ाता आपको, फिर तो आप मुझे उल्टा पढ़ा लेते हो, मतलब ठीक है आप अभी पढ़ाते हो ऐसा नहीं है, बट आप लोग अलग चीज पढ़ाते हो। तो फ्लो कब होगा, जब डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस नहीं है तो फ्लो नहीं होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैं कल पढ़ा दूंगा अच्छे से, बट अभी सुन लो भाई जो एक सिंपल मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच का डिफरेंस। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और उसने खूब सारे नेगेटिव चार्जेस छोड़ दिए, यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा हो गए तो यहाँ पे अपने आप क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव, तो ये चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट हो गया। और ये कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों साइड चार्जेस बराबर ना, तो वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल एक समझ लो चार्जेस के बीच का डिफरेंस। और कब तक करेंट फ्लो होगा, जब तक दोनों साइड चार्जेस इक्वल ना हो जाए, अगर दोनों साइड चार्जेस इक्वल हो जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, कोई अगर आपके पास डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, नंबर है आपका मेरे पास, तो जो भी आपके डाउट है वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे, और होप यू विल ज्वाइन टुमारो ऑल्सो, है ना, पढ़ते रहो घर में, बाकी टीचर्स आपसे पढ़ा ही रहे, और कोई डाउट है तो अभी आप चैट में पूछ सकते हो किसी को भी डाउट, सब अच्छा चंगा। क्या डाउट है बेटा आयुष, हाँ चलो ठीक है, हाँ ठीक है बेटा रितिका, बस हो गया अब नहीं पढ़ा रहा, चलो ठीक है बेटा, है ना, तो पढ़ाई करना, कल अपन मिलते हैं और कल अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में कल न्यूमेरिकल बेसिकली अपन पढ़ेंगे, क्योंकि जो रजनी मैडम है एग्जाम में टफ टफ न्यूमेरिकल ही देती है, तो आपको जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनेगा तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू विल स्टडी, लेट्स मीट टुमारो, ठीक है, ओके बाय एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, ठीक है, चलो बाय बेटा।